ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए पहले तो बीसीसीआई ने जारी कर दिया था इसका पूरा शेड्यूल और कार्यक्रम सभी मैचों का, लेकिन अब यहां पर फाइनली बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया भारतीय टीम का पूरा कंफर्म स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए। जो कि आपको बता दें कि आईपीएल 2020 खत्म होने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी और इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी सबसे पहले 3 ODI मैचों की सीरीज, उसके बाद 3 T20 मैचों की सीरीज और आखिर में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। यह सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 27 नवंबर 2020 से और 19 जनवरी 2021 तक खेली जाएगी। तो आपको बताने वाले इस वीडियो में टीम इंडिया के पूरे कंफर्म टेस्ट स्क्वाड के बारे में कि किस किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, जहां पर टेस्ट सीरीज के लिए टीम में हुए हैं कई सारे बड़े बड़े बदलाव। पहली सबसे बड़ी चेंजेस तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे दौरे से रोहित शर्मा बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। उनकी जगह पर टीम में केएल राहुल को मौका मिला है और केएल राहुल T20 और ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उप कप्तान भी है, यानी कि वाइस कैप्टन है। हालांकि टेस्ट सीरीज के लिए वाइस कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, इसके अलावा पृथ्वी शाह, सुभमन गिल जैसे यंग प्लेयर को भी टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं ईशांत शर्मा भी इंजरी के चलते पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार भी टीम में नहीं है। तो चलिए बात करते हैं टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड के बारे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का टेस्ट स्क्वाड, नंबर 1 पर कप्तान विराट कोहली, नंबर 2 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 3 पर पृथ्वी शाह, नंबर 4 पर केएल राहुल, नंबर 5 पर जितेंद्र पुजारा, नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, नंबर 7 पर हनुमा विहारी, नंबर 8 पर शुभमन गिल, नंबर 9 पर विद्यमान साहा विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि नंबर 10 पर ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 12 पर मोहम्मद शमी, नंबर 13 पर उमेश यादव, नंबर 14 पर नवदीप सैनी, नंबर 15 पर कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर, जबकि नंबर 16 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 17 पर रविचंद्र अश्विन, नंबर 18 पर मोहम्मद सिराज। तो गाइस ये भारतीय टीम का 18 खिलाड़ियों का टेस्ट स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। 17 दिसंबर 2020 से यह मुकाबला डे नाइट टेस्ट होगा और यह एडिलेड में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और यह मेलबर्न में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, सिडनी में खेला जाएगा यह टेस्ट मैच। चौथा टेस्ट मैच 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और यह ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तो गाइस ये रहा टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल। दोस्तों अगर आपको T20 और ODI टीम का स्क्वाड जानना है तो आप एंड स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, उसे क्लिक कर देख सकते हैं या फिर चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल भी आपको चैनल में जाकर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर दें।